इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता के गुलशन कॉलोनी इलाके से। जी हां, आपको हम बता दें कि गुज़िश्ता कल हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया ने यह खबर आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह एंटी सोशल एलिमेंट्स ने गुलशन कॉलोनी इलाके में फायरिंग की जिसमें दो लोग जख्मी भी हो गए थे और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों वेस्ट चौबागा और माटनपाड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके नाम नदीम अशरफ और मोहम्मद साजिल बताए गए हैं। उनमें से एक को पुलिस ने अवैध रूप से हथियार बेचने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार किया था। इस बात की जानकारी कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुरलीधर शर्मा ने मीडिया को दी है। वहीं जिन लोगों पर गुज़िश्ता कल गोली चली थी उनकी हालत में कुछ सुधार आया है और वो अब भी चितरंजन मेडिकल अस्पताल में भर्ती।